नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके हदोशी रहांगडाले और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ खास बात। मां के साथ वाराणसी पहुंची शिल्पा शेट्टी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को हाल ही में वाराणसी में स्पॉट किया गया है। इस दौरान उनकी माँ सुनंदा शेट्टी भी उनके साथ नजर आई है। वाराणसी में दोनों काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे थी। शिल्पा ने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। लिखा है, जय माँ गंगे, हर हर महादेव। इस वीडियो में शिल्पा अपनी माँ के साथ गंगा आरती का आनंद लेती हुई नजर आ रही है। क्या पिता बनने वाले हैं वरुण धवन? बिग बॉस में सलमान खान ने किया खुलासा। वरुण धवन अपनी आने वाली फिल्म भेड़िया को लेकर काफी चर्चा में है। वह कृति सेनन के साथ अपनी फिल्म का खूब प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। वरुण कभी प्रमोशन के लिए जयपुर में कॉलेज में पहुंचे तो वही हाल ही में अभिनेता बिग बॉस में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। वरुण और कृति ने यहां सलमान खान के साथ मिलकर खूब धमाल किया। इस मंच पर उन्होंने गेम भी खेले। वहीं सलमान खान ने अभिनेता की जिंदगी को लेकर खुलासा किया है। वरुण आगे सलमान खान से कहते हैं कि अभी तो मेरा कोई बच्चा भी नहीं है, मैं इस खिलौने का क्या करूं? इस पर सलमान खान ने कहा कि अभी ये आ गया है, अब बच्चा भी आ जाएगा। इसके बाद वरुण धवन शर्मा देते हैं। सलमान खान ने हिट से ऐसा लग रहा है कि वरुण और नताशा जल्द ही मम्मी पापा बनने वाले हैं। दूसरे दिन भी समंथा का जलवा बरकरार। यशोदा ने शनिवार को किया इतने करोड़ का मुनाफा। साउथ की मशहूर एक्ट्रेस समंथा रुथ प्रभु की फिल्म यशोदा ने टिकट खिड़की पर अच्छी शुरुआत की है। ओपनिंग डे पर शानदार कलेक्शन के बाद अब दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई अच्छी की जा रही है। आइए जानते हैं कि इस फिल्म में अब तक कितने करोड़ का बिजनेस हुआ है। शुक्रवार को इस फिल्म ने 3.6 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसमें तेलुगु भाषा में फिल्म ने सबसे ज़्यादा 2.7 करोड़ रुपये बटोरे थे। वही अब फिल्म के दूसरे दिन में कलेक्शन से आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। शुरुआती आंकड़ों में मुताबिक ने शनिवार को 4 करोड़ की कमाई की है। दो दिनों को मिलाकर फिल्म का अब कुल कलेक्शन 7.6 करोड़ बताया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।